push till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूं कि इस कोविड-19 के दौर में आप और आपका परिवार बिल्कुल खुशहाल होंगे। आज एक खुशी भरी खबर है, और वो है कि हमने टाटा नेक्सॉन गाड़ी ले ली है। अब टाटा नेक्सॉन ही क्यों ले, इसके बारे में तो जरूर बात करेंगे। तो सबसे पहले तो दोस्तों, आपके मन में ये होगा कि जो हमने गाड़ी ली है कितने रुपए की पड़ी है। देखिए, मॉडल कौन सा लिया है, सबसे पहले तो मैं आपको वो बता दूं, हमने लिया है टाटा नेक्सॉन XZ+ वाइट कलर ऑप्शनल। अब इसके अंदर क्या क्या मिलता है, बाकी सारी तो फुली लोडेड मिलती ही है, और उसके बाद में जो सनरूफ है वो मिलती है। हालांकि सनरूफ इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होती है, जब भी आप गाड़ी लें तो सनरूफ को इतना मेन तौर पे कंसीडर ना करें। हालांकि पैनोरामिक यदि है तो उसका थोड़ा बहुत यूज हो भी जाता होगा, परंतु जैसे आप जानते हैं नॉर्थ इंडिया के अंदर कितनी हैवी गर्मी पड़ती है, और इतनी गर्मी के अंदर यदि आप सनरूफ का यूज करते हैं, कहाँ यूज कर पाओगे आप, इतना डस्ट होता है, इतनी धूप होती है। हम शीशे तो उतारते नहीं है, कभी भी ग्लास नीचे नहीं करते अपनी गाड़ी का, हमेशा ही ऊपर रखते हैं, तब सनरूफ का कोई औचित्य नहीं है। परंतु सनरूफ एक ऑप्शन जरूर है इसके अंदर जो हमने ली है। इसके साथ में फुली लोडेड के साथ में मैं आपको बताऊँ, एक स्टेयरिंग जो कवर है वो लेदरेटिक है, हालांकि सीट कवर इसके अंदर नहीं मिले, बाकी फुल लोडेड में क्या जाता है। टायर प्रेशर मॉनिटर है एक थोड़ा सा अलग जरूर लगा इसके साथ में, और क्रूज कंट्रोल है। क्रूज कंट्रोल तो आजकल लगभग सभी गाड़ियों के अंदर आ ही जाता है। ये जो बटन दे रखे हैं, एक ऊपर एक नीचे, और इधर प्लस का है इधर माइनस का है। ये जो बटन है इसको दबाने के लिए ये वाला, यहाँ पे क्रूज कंट्रोल ऑन होता है या ऑफ होता है, और सेट करने के लिए ये वाला बटन है। सेट करने के बाद आप स्पीड को बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। इसके साथ में यहाँ पे है, यदि आपको क्रूज को इलेक्ट्रॉनिकली क्लोज करना है, वैसे तो ब्रेक से और क्लच से भी टूट जाता है, मतलब जिसको कहते हैं क्रूज कंट्रोल बंद हो जाता है, परंतु इससे दबा के भी आप क्रूज कंट्रोल को बंद कर सकते हैं। इसका जो टोटल प्राइस कितना पड़ा, एजेंसी ने हमें बताया 13,80,000 रुपये, और हमें कितने में मिली मैं आपको बताना चाहता हूँ कि टोटल हमने जो लेस करवा के सारा कुछ करवा के हमें जो पड़ी 13,30,000 में, यानी कि अप्रोक्सीमेटली 50,000 की छूट हमने ले ली। परंतु हमने एक्सटेंडेड वारंटी ली थी, तो अप्रोक्सीमेटली 10,000 की एक्सटेंडेड वारंटी भी आई, और बेसिक किट एक्सेसरी वगैरह इसके अंदर शामिल थी। तो हमें जो गाड़ी पड़ी वो 13,42,000 ऑन रोड ये गाड़ी पड़ी। देखिए कि बहुत सारी चीज़ें हैं कि जब आप गाड़ी कंपेयर करते हैं तो बहुत सारे फैक्टर्स को आप कंपेयर करते हैं, और यदि आप नहीं करते हैं तो आपको ज़रूर कंपेयर करने चाहिए। हमने भी बहुत सारे फैक्टर कंपेयर किए हैं। ये हमने गाड़ी जो ली है नेक्सॉन, ये क्यों ली, देखिए इसके 4-5 फैक्टर हैं और वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और सबसे पहला फैक्टर तो मैं आपको बताऊंगा कि यदि विटारा ब्रेजा से मैं कंपेयर करूँ, क्योंकि पहली गाड़ी तो हमारी वही थी, उसके बाद हमने ये ली है, तो सबसे पहली बात क्या है, इंजन पावरफुल है। विटारा ब्रेजा के अंदर डीजल के अंदर जो इंजन था 1.3 लीटर, और ये है 1.5 लीटर, और 1.5 लीटर जो इंजन है अब हमने जो ली है वो डीजल में ली है, और पहली गाड़ी जो विटारा ब्रेजा थी वो भी डीजल में ही थी। उसके बाद में जो दूसरी बात है वो है 6 गियर मैनुअल की, मतलब यदि विटारा ब्रेजा आपने यूज की है तो उसके अंदर 5 गियर होते हैं, और स्पीड अप्रोक्सीमेटली 80 की स्पीड में वो ज़्यादा एवरेज देती है, जबकि आप बात करेंगे नेक्सॉन की तो 100 की स्पीड में आप चलते हैं तो तब आपको बेहतरीन एवरेज मिलती है। 6 गियर मैनुअल का एक और फर्क है कि इसके अंदर यदि आप ऑफलोडिंग वगैरह भी करते हैं तो थोड़ा बहुत सा फर्क रह जाता है, क्योंकि आपको कई सारे ट्रांसमिशन अलग अलग से मिलते हैं। इसके साथ में दोस्तों कुछ पावर मोड मिलते हैं, आपने यदि नेक्सॉन यूज़ की है तो उसके अंदर एक इको मोड होता है, एक सिटी मोड होता है, एक स्पोर्ट मोड होता है, और बहुत ही फनी ड्राइविंग होती है यदि आप स्पोर्ट्स मोड के अंदर यूज करते हैं, और जब आपको एक अलग से ड्राइविंग एक्सपीरियंस होता है। ये एक डायल दे रखा है, इसके अंदर 3 फंक्शन हैं, एक स्पोर्ट्स का है, एक इको का है, एक सिटी का है। यदि मैं इसको चेंज करूँ, मान के चलो इकोनॉमी ड्राइव मोड एक्टिवेटेड, देखिए इस प्रकार से मैसेज आता है कि अब इकोनॉमी ड्राइव मोड एक्टिव हो गया है। इसके बाद एक बार फिर मैं घुमाऊं, सिटी ड्राइव मोड एक्टिवेटेड, अब सिटी हो गया है। एक बार फिर मैं इसको रोटेट करूंगा तो ये दोबारा से स्पोर्ट्स पे आएगा, ड्राइव मोड एक्टिवेटेड। तो ये भी काफी अच्छा है, बड़ी गाड़ियों के अंदर आता था परंतु नेक्सॉन में दे रखा है, और काफी खूबसूरत है, मजा भी आता है। इसका सर्विसिंग का चार्ज विटारा ब्रेजा से कम है, यानी कि नेक्सॉन की जो सर्विस होती है वो होती है 15,000 किलोमीटर पे,
और यदि आप मारुति की किसी भी गाड़ी आप यूज़ करते हैं तो आपको पता होगा कि 10,000 पे सर्विस होती है, और ज़्यादातर मतलब मोस्टली जितनी भी गाड़ियां हैं उन सब की सर्विसिंग 10,000 किलोमीटर पे है, जबकि जो टाटा की गाड़ियां हैं उनकी 15,000 पे सर्विस है। बाकी का तो मुझे इतना ज़्यादा नहीं पता है, परंतु नेक्सोन की बात यदि मैं करूँ पर्टिकुलरली तो 15,000 किलोमीटर पे इसकी सर्विसिंग है। मारुति की गाड़ी की 3 सर्विस होंगी, इसकी 2 होंगी, तो ये एक सीधा सीधा सा आपको फर्क पड़ जाएगा, 15,000 और 30,000 पे उसकी 3 सर्विस हो जाएंगी 30,000 तक, तो ये भी एक बहुत मोटा फर्क है। उसके बाद में हम बात करें कि इंडियन इकोनॉमी की, ये जो टाटा की गाड़ियां हैं वो इंडिया की हैं, और जिस प्रकार से एक मुहिम चली नेशनलिज्म की और चाइना के साथ जिस प्रकार से एक विवाद चला, उसके बाद ये तो जरूर बनता था कि हम इंडियन कंपनी को थोड़ा सा प्रमोट करें। जिस प्रकार से बैन किया गया 59F को, तो उसके बाद और थोड़ा सा नेशनलिज्म की तरफ झुकाव लोगों का हुआ, हमारा भी हुआ, ये भी एक फर्क था। और जब COVID-19 की बात चल रही थी तो उस टाइम भी हमने देखा कि टाटा कंपनी ने सबसे ज़्यादा डोनेट किए हैं, और वो पीएम केयर फंड के अंदर 1500 करोड़ के आसपास रुपए दिए हैं, तो इससे भी थोड़ा सा ये लगा कि जो हमारी इंडियन कंपनी है वही जब मुसीबत आती है देश में तो वही हमारे साथ होती हैं, तो इसलिए एक फैक्टर ये भी था कि हमने नेक्सोन को चुना दूसरी गाड़ियों की बजाय, क्योंकि कहीं ना कहीं एक नेशनलिज्म का फैक्टर भी यहाँ पे मायने रखता था। और मैं समझता हूँ कि आप सबको भी थोड़ा सा प्रमोट करना चाहिए इंडियन कंपनी को इस माध्यम से, तो ये बात भी बहुत इम्पोर्टेंट थी। ये देखिए, ये है हमारे नेक्सोन के ओनर मिस्टर संदीप कुमार। अब आपको कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, काफ़ी टाइम बाद दूसरी गाड़ी मिली, 6 महीनों में 6 महीनों के बाद दूसरी गाड़ी ली है, तो नेक्सोन एक्स जेड प्लस ऑप्शनल ये वाली गाड़ी ली है ना? जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। अच्छा, ये यही फाइनल क्यों की? इसकी बॉडी मुझे अच्छी लगी, कुछ मारुति से कुछ एडवांटेजेस इसमें ज़्यादा लगी, फीचर्स इसके मुझे अच्छे लगे। अब एक और चीज़ मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि थोड़ा सा यदि आप मारुति की एजेंसी में जाओगे, टाटा की एजेंसी में जाओगे, तो थोड़ा सा अंतर आपको ज़रूर मिलेगा, और वो अंतर किस प्रकार का है देखिए। मारुति वाले क्या करते हैं कि सारा आपको पैक करके फिर अलग अलग चीज़ें बताते हैं, और जब आप छूट की बात करेंगे, कंसेशन की बात करेंगे, तो कहाँ पे होता है? एक्सोरूम प्राइस पे। जबकि यदि आप टाटा के अंदर जाओगे तो वो सारा कंपाइल करते हैं और छूट करते हैं कंप्लीट पे, मतलब उन्होंने सारा कुछ मिला के, जैसे रोड टैक्स, बेसिक किट, हैंडलिंग चार्ज, TCS, सब कुछ मिला के 83 बताया, और उसके बाद उन्होंने 50,000 पे घटा दिए। जबकि असली छूट जो मैं समझता हूँ, जो मैं मानता हूँ, देखिए बहुत सारी एजेंसी, जब हमने कंपेयर की एक सिटी से दूसरी सिटी के अंदर, मैंने ये गाड़ी राज मोटर रोहतक से ली है, और जब हमने दूसरी सिटी से इसको कंपेयर किया ना, तो पाया कि हैंडलिंग चार्ज कहीं 6,000 है, कहीं 3,000 है, कहीं बेसिक किट 8,000 की लगा रखी है, कहीं 2,000 की लगा रखी है, कहीं 4,000 की लगा रखी है। तो ये जब सारा कंपेयर आप करोगे तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है कि किसने एक्सेसरी कितनी लगाई, क्या किया, ये सब एक अलग मैटर हो जाता है। परंतु जब भी आप गाड़ी लें तो मैं आपको ये सलाह दूंगा, एक्सोरूम प्राइस को टैली करें। तो दोस्तों, ये तो थी गाड़ी नेक्सोन जो हमने खरीद ली है, और आप हमें बधाई ज़रूर दें। इसके साथ में हमारे वीडियो को आप लाइक भी ज़रूर करें, हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। दोस्तों, यदि आप इसके फंक्शन से रिलेटेड कोई वीडियो चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बता दें, उससे रिलेटेड एक वीडियो और बना देंगे। और यदि किसी भी प्रकार की आपकी डिमांड है तो आप उस प्रकार के वीडियो की डिमांड कर सकते हैं, मैं बनाने की कोशिश करूँगा। मेरा एक व्हाट्सअप नंबर भी है, 9306851640, आप इसके ऊपर भी मैसेज कर सकते हैं, और कोई सजेशन हो उससे रिलेटेड भी आप बात कर सकते हैं। ये था आज का वीडियो दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको पसंद आया होगा। हमारे वीडियो पे बने रहने के लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद।